आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार सुबह 5:15 पर ट्रेन नेटवर्क पर हमला हुआ। कई रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई और तारों को जला दिया गया। रेलवे लाइनों पर हमला किसने और क्यों किया, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी SNCF के मुताबिक हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही है। हमले की वजह से आज करीब 2.5 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं, जबकि इस पूरे हफ्ते तक 28 जुलाई करीब 8 लाख लोगों पर असर पड़ सकता है। वहीं PM ग्रेब्रियल अटल ने हमले को ओलंपिक में बाधा डालने की साजिश बताया है। पेरिस में रात 11 बजे ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी है। इसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक किया जाएगा। खेलों के इस महाकुंभ में 206 देशों 10,500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत के 117 खिलाड़ी फ्रांस गए हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।